हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स कंपनी के बारे में। उसके बारे में कंपनी है बहुत ही बड़ी, आज खबर आई है, तो उस न्यूज के चलते हुए आपको इस शेयर के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन सब चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हम ये वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज होगी तो उससे आपको जरूर रूबरू कराएंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बर्जर पेंट्स जो कंपनी, उसका टोटली बिजनेस डिपेंड होता है, दैट इज पेंट सेक्टर के ऊपर। कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो है पेंटिंग के अंदर, दैट इज कंपनी का जो भी पेंट होता है मार्केट में बिकता है उसके कारण कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज कंपनी प्रॉफिट कमा पाती है। तो बर्जर पेंट्स ने अभी 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए न्यू प्लांट के, दैट इज वेस्ट बंगाल के अंदर, और उसके साथ साथ में अभी वो भी प्लान करेंगे साउथ इंडिया में भी एक अपना नया प्लांट बनाए। उसके कारण क्या हुआ, कंपनी के जो मार्केट में जो एसेट्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, और नए एसेट के कारण कंपनी का जो भी बिजनेस होगा वो सेक्टर में, वो एरिया में वो बढ़ जाएगा। कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वार्टर में, और जो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस न्यूज के चलते हुए आपको अगर हम शेयर का कंपैरिजन बताएं उसके सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, तो सेक्टर पी चल रहा है करंटली 29.29 और इस शेयर का पी रेशियो बहुत ज्यादा है, दैट इज 111.05। सेक्टर पी भी है 2.72 और इस शेयर का पी रेशियो कितना है 27.39, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा है, और डिविडेंड यील्ड भी सेक्टर के मुकाबले काफी कम है, दैट इज सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 1.01% और शेयर का डिविडेंड यील्ड है 0.29। हालांकि एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 73,065 करोड़ रुपीज और स्टॉक रैंकिंग है इसकी 59 पर। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालते हैं तो 2017 से लेकर 20 तक कंपनी का हर साल एक अच्छे खासे ट्रेंड में अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम 2019 को 20 से कंपेयर करते हैं, जबकि 2019 में जब कंपनी का रेवेन्यू था 6.12,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका था 6.43,000 करोड़ रुपीज़। 2019 में जब कंपनी का रेवेन्यू था 0.49,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका था 0.65,000 करोड़ रुपीज़। तो कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कंपनी हर साल एक अच्छे खासे ट्रेंड में अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू भी कमा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रही है। शेयर का जो प्राइस है करंटली 760.1 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है, शेयर दैट इज 1% का अपर मूवमेंट दे चुका 7.85 रुपीज़। और अगर आपको इस शेयर के अंदर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट 700 या फिर 686.50 के लेवल पे आप इसे बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ऑल दो जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन होगा बर्जर पेंट्स लिमिटेड कंपनी के अंदर, वो तो पूरा आपके ऊपर ही होगा कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है। होप करता हूँ कि आपको बर्जर पेंट्स रिलेटेड कंपनी के मार्केट में जो भी न्यूज चल रही है उसका जो आपको एनालिसिस किया हमने आपके सामने वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस वीडियो रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो उसका भी आप क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। थैंक यू।